विधानसभा चुनाव प्रचार के लिहाज से काफ़ी व्यस्त दिन रहा। पीएम मोदी ने जहां दुर्गपुर, विजयनगर और सिंधनौर में जनसभा को संबोधित किया, वहीं राहुल ने दो रैलियां की। पीएम ने कांग्रेसी नेताओं द्वारा उनके ऊपर की जा रही अभद्र टिप्पणी को याद करते हुए कहा, ये लोग गाली की सेंचुरी लगाने की राह पर हैं। वहीं राहुल गांधी ने तुमकुरु और हरिहर में जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा, कर्नाटक में भाजपा ने चोरी से सरकार बनाई है। भाजपा ने 3 साल पहले लोकतंत्र को ख़त्म कर इसे चुरा लिया। पीएम कर्नाटक सरकार के भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? उन्हें बताना चाहिए कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। कांग्रेस के पास जनता से जुड़ा न कोई मुद्दा है और न ही कोई विजन बचा है। ये लोग स्नेह और अपनत्व से अभिभूत कर देने वाले कर्नाटक की मान मर्यादा का ध्यान रखना भी भूल चुके हैं। जब जब देश पर संकट आया है, तब कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं ने उस पर संकट पर भी राजनीति की है। आजकल सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, गोलियां चल रही है, हाहाकार मचा हुआ है। हम एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाने में रात दिन जुटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इस पर भी राजनीति की और अनेक परिवारों को भड़काने का काम किया है। पीएम मोदी के सिंधनौर रैली में ये बयान थे।